गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी सरवर का कहना था कि सरकारी इमारात कौम का असासा हैं। पहले मरहले में सिर्फ फैमिलीज को विजिट करने की इजाजत होगी। गवर्नर हाउस में वाके वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और दो स्कूलों में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। उनका कहना था कि डैम्स की तामीर और पीने के साफ पानी की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। हम ये फैसले कर रहे हैं कि हम इन इमारात को, इन पास को सिर्फ अशराफिया के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के गरीब और आम आवाम के लिए इनको हम ओपन करें। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मुल्क में कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि कब्जा माफिया की कमर तोड़ दी जाएगी। अब निचले दर्जे के मुलाजमीन का ही नहीं सबका एहतिसाब होगा। अवाम की तरक्की के लिए फंड्स और इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली को यकीनी बनाया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी के लिए सबसे पहले हमारा वजीर आजम ने पेश किया है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर हमारे अकाउंटेबिलिटी के अपने लिए पेश करेंगे, गवर्नर अपने आप को अकाउंटेबिलिटी को पेश करेंगे, और अगर आप किसी किस्म की कोताही हमारे बारे में देखें तो आप हमें गले से पकड़ सकते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने गवर्नर हाउस में शोहदाए पुलिस के लवाहिकीन को अवार्ड्स देने की तकरीब में भी शिरकत की।